हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गुंजन मित्तल। हम एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे इस खास शो में जिसका मकसद है आपको हेल्थ की हर जानकारी से रूबरू रखना। आज फिर से पूरी दुनिया डर की ज़िंदगी जी रही है और इस नए डर का नाम है ओमिक्रॉन। पिछले एक हफ्ते में कोरोना का ये नया वेरियंट एक दर्जन से ज़्यादा देशों में पहुँच चुका है। कई देशों ने विदेशी यात्राओं की आवाजाही पर रोक लगा दी है। पर क्या है इस नए वेरिएंट पर ज़्यादा जानकारी और किन लोगों को इस नए वेरिएंट से ज़्यादा खतरा, आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मणिपाल हॉस्पिटल के HOD एंड कंसल्टेंट क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल डॉक्टर नवीन कुमार। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर नवीन, लेटेस्ट जानकारी क्या है इस नए वेरियंट के बारे में? मैडम, ये जो ओमिक्रॉन जो COVID-19 का नया वेरिएंट है, जो कि पहले बोत्सवाना फिर साउथ अफ्रीका में एक क्लस्टर के रूप में आया है और कुछ अन्य देशों में भी इसके केसेस मिले हैं जी। इसकी जो अभी तक जानकारी है उसके हिसाब से इसकी पोटेंशियल है ज़्यादा ट्रांसमिशन और ज़्यादा स्प्रेड करने की, जो अभी तक की जानकारी है। हालांकि उस पर अभी और इन्फॉर्मेशन और डेटा अभी हमें अगले दो तीन वीक्स में पता चलेंगे। और इसके जो इसमें अभी जो हमें जितना भी इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से इसके ट्रांसमिशन रिस्क ज़्यादा है और ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है। हालांकि भारत में इस नए वेरिएंट के किसी पेशेंट की अभी पुष्टि नहीं हुई है, पर लोग अभी भी विदेशों से आ रहे हैं, ऐसे में किन लोगों को ज़्यादा खतरा हो सकता है इस नए वेरिएंट से? ये हमें अभी आगे देखने की ज़रूरत है। हमें अभी सतर्क रहना है, जो हमारी सिक्वेंसिंग जो हो रही है मॉनिटरिंग सर्वेलेंस की, वो हमें कंटिन्यू रखना है। और जो हमारा मेन एम है कि जो इसके अगर कोई नए इस वेरिएंट के अगर कोई नए केसेस हमारे देश में मिलते हैं तो उसके हिसाब से फिर हम उसकी आगे उसका ट्रैक करें, उनके कॉन्टैक्ट्स, और फिर उसको हम अकॉर्डिंगली कंटेन करें कि इसका स्प्रेड ना हो पाए। ये हमारे मेन एम है। उस बेसिस पे सर्वेलेंस की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, COVID-19 जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो डिस्क्राइब है गवर्नमेंट की तरफ से वो फॉलो करने की जरूरत है। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट जो हमारे भी एक्सपर्ट्स और गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी नए स्टेप्स लिए गए हैं उसमें हमें ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत है। जी जी, अभी WHO की तरफ से जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें कहा गया है कि जो पहले लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उन्हें ज़्यादा खतरा है इस नए वेरिएंट से। और ये भी कहा जा रहा है एक नए रिपोर्ट के मुताबिक कि 25 साल से कम उम्र के लोगों को ज़्यादा हो रहा है ये वेरिएंट, तो क्या इन बातों में सच्चाई है? मैडम, जो अभी जो चूंकि एक ही कंट्री पे और क्लस्टर के रूप में कुछ प्रोविंस में फैला है जी, और वहाँ के जो डेटा है जो जो अभी तक सामने आए हैं उसके हिसाब से ये ज़्यादा यंग पॉपुलेशन में देखा गया है। और जो यंग पॉपुलेशन जिनमें ये देखा गया उनमें जो सिम्टम्स हैं वो माइल्ड सिम्टम्स हैं, किसी में सीवियर इलनेस ऐसा नहीं देखा गया है और हॉस्पिटलाइजेशन भी अभी तक नहीं हुए जो अभी तक डॉक्यूमेंटेटेड रिपोर्ट है। तो हमें ज़्यादा इसमें अभी घबराने की बात नहीं है। स्प्रेड इसका हो रहा है, इट इज स्प्रेडिंग, यू नो इट हैज गॉट मोर रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, यस आई कैन यू नो, बट उसमें अभी तक कोई ऐसा नहीं है कि किसी केसेस में ज़्यादा सीवियरिटी देखी गई है साउथ अफ्रीका में और जो केसेस दूसरे कंट्रीज में अभी तक मिले हैं जी, जी। तो अभी हमें ज़्यादा इसमें और आगे और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है कि हम इसके बारे में और अच्छी से बता पाए कि क्या ये सीवियर डिजीज करेगा कि नहीं करेगा। अभी ये अभी हमें और इसमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ओके, जैसे आपने अभी सिम्टम्स की बात करी तो क्या इसके जो सिम्टम्स हैं वो कुछ नए सिम्टम्स हैं या पहले जैसे कोरोना में सिम्टम्स पाए गए थे लोगों में वैसे ही सिम्टम्स हैं? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन आई है इसमें जो देखा गया है कि जो यंग पॉपुलेशन जिनमें ये इस वेरिएंट के इन्फेक्शन मिले हैं उसमें थोड़े सिम्टम्स डिफरेंट हैं। ओके, और ये जैसे हम जैसे पहले आप कॉमनली देखते हैं स्वाद का ना आना, फिर सुगंध ना आना, तो ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, लेकिन जो सिम्टम्स हैं वो हेडेक, नौजिया, ये सारे नए सिम्टम्स हैं। okay. तो थोड़ा डिफरेंट है, सीवियर सिम्टम्स नहीं देखे गए हैं। तो ये कॉमन है, जो म्यूटेशंस होते हैं वायरस में तो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक चेंज होती है और उसके चलते चूंकि इसमें जो इसके जो फीचर्स हैं म्यूटेशंस के चलते
वो बताते हैं कि ये इसके रिस्क हैं, ग्लोबल रिस्क हैं टू कॉज सीवियर ट्रांसमिशन एंड सीवियर यू नो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. तो उसके चलते WHO ने डेफिनेटली ये हमारे यू नो इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना है और इसके ऊपर हम सारे देश और सारे यू नो सब एक्ट कर रहे हैं. लेकिन यस, थोड़े सिम्टम्स डिफरेंट हैं और अभी तक ये यंग लोगों में ही देखा गया है. ओके, ये भी बताइए डॉक्टर, क्या एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक विदेशों में इस वेरिएंट के जितने पेशेंट्स मिले हैं उनमें 10% बच्चे भी हैं, तो क्या ये नया वेरिएंट बच्चों के लिए भी खतरनाक है? और हमारे हिंदुस्तान में तो कई राज्यों में अब स्कूल भी खोले जा रहे हैं. अभी इस पर कुछ भी कहना काफी जल्दबाजी होगी क्योंकि यू नो ये सारे ऑन ऑफ रिपोर्ट्स, बट हमें साइंटिफिक इंफॉर्मेशन की और साइंटिफिक डेटा की जरूरत है कि ये किस ग्रुप में, और जैसे इम्यूनो कम्प्रोमाइज हो गए, बच्चे हो गए, उसमें क्या इसके इसका इसका कोर्स होता है, ये अभी बहुत जल्दबाजी हुई कहना. ये अभी इसमें ज्यादा हमें रिपोर्ट की जरूरत है, उसके बेसिस पे ही हम कह सकते हैं. डॉक्टर, आप मुझे ये बताइए, क्या जो ये नया वेरिएंट है वो RT-PCR टेस्ट में डिटेक्ट हो पा रहा है? मैडम, जो हमारे पास RT-PCR के किट्स अवेलेबल हैं हमारी कंट्री में, वो डिटेक्ट कर पाएंगे इस नए वेरिएंट को. उसमें अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये हमारे RT-PCR किट से डिटेक्ट नहीं होंगे जी. लेकिन हमें और देखने की जरूरत है, कुछ और म्यूटेशंस होते हैं उसके बाद और इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल होंगे कि कुछ किट्स नहीं डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ऐसा अभी तक कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. और सारे किट्स जो हैं वो अभी डिटेक्ट कर पाएंगे इस नए वेरिएंट. ओके डॉक्टर, ये भी बताइए, अभी सभी देशों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और हाई अलर्ट मीटिंग्स भी चल रही हैं, ऐसे में हमारी सरकार और प्रशासन की क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि डेल्टा वेरिएंट की तरह हमारे देश में ज़्यादा तबाही ना मचा पाए और हम इसे तीसरी लहर लाने से बचा पाए? मैडम, किसी भी पैंडेमिक और जो किसी भी पैंडेमिक में ये कॉमन अप्रोच होता है कि हम जल्दी से जल्दी कोई अगर नया वेरिएंट आया तो उसको हम पिकअप करें, उसके बाद हम उसको ट्रैक करके और कंटेन करें. जी जी. और ये आई थिंक हमारी सारी जितनी भी एजेंसीज हैं उस पर काम कर रही है. गवर्नमेंट काफी प्रोएक्टिवली यू नो हर जगह, जैसे एयरपोर्ट पे, क्योंकि जो जिस देशों में हुआ है वहां से जो आ रहे हैं जी. उनको सबसे पहले ट्रैक किया जाए कि कोई यू नो, और उसके बाद कोई पॉजिटिव आता है तो फिर उसकी जीनोमिक सिक्वेंसिंग हो, और उसके बाद उसमें अगर ये डेल्टा वेरिएंट से अलग नया वेरिएंट अगर उसमें हमें डिटेक्ट होता है तो उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स में उनको तो हमें क्वारंटीन करना है, साथ साथ उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी क्वारंटीन करना, जो कि एक अप्रोच है. आई थिंक इसमें गाइडलाइंस बहुत क्लियर है और गवर्नमेंट ने सारे इंफॉर्मेशन जो यू नो एजेंसीज है सबको दे रखे हैं, हॉस्पिटल्स को भी, तो हमें सब यू नो अकॉर्डिंगली हम काम कर रहे हैं. तो उसी हिसाब से वी ऑल आर अलर्ट, और अभी तक तो कोई इस तरह के इस वेरिएंट हमें नहीं मिले हैं, लेकिन जैसे आएगा हम अकॉर्डिंगली उस पर क्विकली एक्ट करेंगे. ओके डॉक्टर, क्या मौजूदा वैक्सीन इस नए वेरिएंट पर कारगर है और क्या हमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है इन फ्यूचर? वैक्सीन जो अभी इंफॉर्मेशन है यू नो इसके हिसाब से इसके जो इसके पोटेंशियल है यू नो ट्रांसमिशन के ज्यादा, लेकिन वैक्सीन जो है उसका काम होता है इन्फेक्शन के साथ साथ हमारा यू नो सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करना जी. तो जितने भी हमारे अभी इफेक्टिव यू नो हमारे पास अवेलेबल वैक्सीन्स हैं, दे आर यू नो गुड इन प्रिवेंटिंग सीवियर डिजीज एज वेल एज इन्फेक्शन. ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन इस वेरिएंट से हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली वैक्सीन जो है अभी ये इफेक्टिव होगा हमारे यू नो सीवियर डिजीज को प्रिवेंट करने में. तो वैक्सीन हमारे इफेक्टिव हैं अगेंस्ट दिस वेरिएंट, तो इसमें कोई ऐसी यू नो देयर इज नो डिफरेंट. डॉक्टर, मेरे जहन में एक सवाल है, क्या ये जो वायरस है वो म्यूटेट होता रहेगा, नए नए इसके वेरिएंट आते रहेंगे इन फ्यूचर भी, और हमें वैक्सीन की डोज लेती रहनी पड़ेगी, कभी बूस्टर डोज, तो क्या ये सिलसिला चलता रहेगा इन फ्यूचर? ये तो ये पैंडेमिक के ऊपर डिपेंड करता है, करेगा किस तरह से वायरस आगे प्रोग्रेस करता है. अगर एक तो है कि आपने बूस्टर डोज की बात की, तो बूस्टर डोज जो है वो एक रिक्वायरमेंट अभी हो गई है कि हमें अभी गवर्नमेंट इस पर सोच भी रही है कि कैसे इसको हमें शुरू करें, क्योंकि टाइम के साथ यू नो इम्यून रिस्पॉन्स जो है थोड़ा कम होता है,
उसको बूस्ट करने के लिए एक नए डोज की जरूरत पड़ती है। जी जी, ये और ये पैंडेमिक के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे यू नो प्रोग्रेस होता है। अगर नए स्ट्रेन आते हैं, नए वेरिएंट्स आते हैं अकॉर्डिंगली, और उस पे हमारे करंट जो वैक्सीन्स हैं उसका क्या रिस्पांस है जी, वो इन्फेक्शन को कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, डिजीज कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं, ये सारा चीज उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और अकॉर्डिंगली इसमें चीजें जो है काफी यू नो जल्दी डेवलप हो जाती हैं और जल्दी मॉडिफाई भी हो रही है यू नो अकॉर्डिंगली। अभी जो है बूस्टर की बात है, बूस्टर का एक समय आ चुका है और हमें बूस्टर के बारे में सोचने की भी जरूरत है। और वो कैसे होगा ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। पहले इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स या एल्डरली पेशेंट्स को दें, या फिर वो एक बूस्टर का समय आ चुका है जी, जी। जो हमें हर साल लेने की जरूरत पड़ेगी, ये पैंडेमिक के ऊपर डिपेंड करता हो सकता है, क्योंकि धीरे धीरे जब पैंडेमिक खत्म हो तो ये एक इंडेमिक स्ट्रेन इंडेमिक वायरस बन के रह जाए, तो और कैसे ये प्रोग्रेस करेगा उसके ऊपर हमारा फर्दर वैक्सीनेशन का यू नो कोर्स डिपेंड करेगा। ओके डॉक्टर, ये भी बताइए कि अभी 65% लोग तो अभी जो पहली डोज ले चुके हैं और 35% लोग हैं वो दोनों डोजेज ले चुके हैं। ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश में वैक्सीन की डोजेज की कमी है, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाहते, जिनको अभी भी संशय है वैक्सीन को लेके। तो क्या ये लोग कोरोना की जो तीसरी लहर लाने में एक बड़े सहायक हो सकते हैं, इनकी वजह से तीसरी लहर आ सकती है? ये हमारे ये हम सभी की जिम्मेवारी है, और सभी की जिम्मेवारी है कि हमें इस पेंडेमिक को जल्दी से जल्दी कंटेन करना। जी जी, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो वेपन है वो है वैक्सीनेशन, और दूसरा है मास्क। यू नो मास्क भी एक तरह का वैक्सीन ही है, आप उसको यूज कर सकते हैं इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में। जी, वैक्सीनेशन और वैक्सीन लेना सबकी जिम्मेवारी है, और इससे हम इन्फेक्शन तो रोक ही सकते हैं, डिजीज भी, और साथ साथ यू नो म्यूटेशन भी, फर्दर म्यूटेशन भी इसी से रुकेंगे। तो हम जितने लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं, सबसे सबको जरूरत है कि आगे कम से कम यू नो जल्दी शुरू करें और दोनों डोज लें, जिससे कि ये हम पैंडेमिक को कंटेन कर सकें। जी जी, जैसा कि आपने कहा अभी कि दोनों डोजेज लें, तो आप दर्शकों को क्या सलाह देंगे चलते चलते, ताकि हम इस नए वेरियंट से बचें और हम अपने देश में तीसरी लहर लाने से भी बचा सकें अपने देश को? सबसे बड़ा सबसे इम्पॉर्टेंट है कि दोनों डोज वैक्सीन कर लें, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क अभी भी हमें ज़रूरत है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूरत है, और हमें हमेशा अपने आप को यू नो प्रिवेंट करना है इन्फेक्शन से, तो उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स हमेशा फॉलो करने की ज़रूरत है। मास्क अभी भी लगाएं कम से, और जब आप जा रहे हैं ओपन पब्लिक प्लेसेस में तो आप बहुत कॉशियस रहें, और हमें इसे यू नो एप्रोप्रिएटली पैंडेमिक को खत्म करने में मदद करें। ओके डॉक्टर, लास्ट में मैं एक आपसे छोटा सा सवाल जानना चाहती हूँ, क्या हम सेफ हैं इस नए वेरिएंट से, और हमें कोई खतरा तो नहीं है? जैसे कि आप बोल रहे हैं अभी तो यहाँ कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, इन फ्यूचर भी होती है तो क्या वो मैनेजेबल होगा हमारे देश में, और कोई दूसरी लहर की तरह तबाही तो नहीं मचेगी? जो इंफॉर्मेशन है और जो हमारे पास जो जो यू नो हमारे वैक्सीनेशन का जो रेट है वो बाकी कुछ देशों से बहुत अच्छा है, और हमारे यहाँ पे अगर देखेंगे सीरो सर्विलेंस भी हुआ, जिसमें हमारे एंटीबॉडी रिस्पांस भी अच्छे हैं। तो एक वो एक हमें एक प्रोटेक्टिव लेवल देता है, लेकिन सबसे बड़ा है इम्पॉर्टेंट है कि हमें इसे फर्दर प्रिवेंट करने के लिए कॉशियस रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, और लेकिन हमें पैनिक नहीं होना जी, और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, और वैक्सीन दोनों डोज लगवाने हैं, और उसकी यही हम मदद कर सकते हैं इस वेरिएंट से बचने में। डॉक्टर नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, थैंक यू सो मच डॉक्टर। जैसे डॉक्टर की सलाह अभी भी खतरा टला रही है, इसलिए किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि आपकी लापरवाही का अंजाम हम दूसरी लहर के समय देख चुके हैं। इसलिए अभी भी मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और वैक्सीन की दोनों डोजेज जरूर लगवाइए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारी समझदारी और वैक्सीन ही हमें इस खतरे से बचा पाएगी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर कल हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपना और अपनों का ध्यान रखिए। चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं टीवी 9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव टीवी 9 वैन के बारे में।
आखिर क्या है इनिशिएटिव, आइए देखते हैं इस वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at wan@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.